नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम लाए हैं महिलाओं के लिए जानकारी। वो जानकारी ऐसी होगी जिन महिलाओं को मासिक धर्म अगर खुलकर नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, या मासिक धर्म की उनकी रुकावट है, तो उनको किस तरीके से घरेलू उपचार से जो मासिक धर्म की समस्या है उसका फलापन नहीं है, तो कैसे उनको लाभ मिलेगा, किस दवा के द्वारा फायदा मिलेगा, उसके लिए हम आपको घरेलू उपचार एक बताने जा रहे हैं। जिन महिलाओं को ऐसी समस्या है कि उनको मासिक धर्म की शिकायत रहती है, साफ मासिक धर्म नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, कारण कुछ भी हो सकता है, ब्लड कम भी हो सकता है, पेट की सूजन भी हो सकती है, लेकिन हम सभी का उपाय अभी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम आपको दोस्तों जानकारी देंगे कि जिन महिलाओं को अगर ये मासिक धर्म की शिकायत है, उनको खुल के नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए एक घरेलू उपचार हम बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आराम से उसे कर सकते हैं, बहुत सरल उपाय है। तो जिन महिलाओं को ऐसी शिकायत है, तो उनको गाजर के बीज लेने हैं। लगभग गाजर के बीज 50 ग्राम की मात्रा में लेने हैं और उनको थोड़ा सा बज्र कूट कर लें, थोड़ा सा कूट लें, और पुराना गुड़ लेना है दूध। इसमें जितना भी पुराना गुड़ होगा उतना ही उसमें फायदा मिलेगा, चाहे वो 1 साल पहले का हो या 2 साल पहले का हो, जितना भी पुराना गुड़ होता है वो उसमें अच्छा लाभ देता है। और इसी प्रकार इसमें एक दो लौंग लेनी है और इन सभी का आपको काढ़ा बना के तैयार करना है। जैसे आपने 50 ग्राम गाजर के बीज ले लिए, आपने करीब 100 ग्राम या 50 ग्राम के हिसाब से गुड़ ले लिया और एक दो की मात्रा में आपने लौंग ले ली, तो इनमें जो भी आप पानी डालेंगे, अब इतने मिश्रण में कम से कम आपको 500 ग्राम पानी डालना चाहिए और उसे उबलने के लिए रख दें। उबलते उबलते जब आपका पानी आधा रह जाता है, तो उस पानी को जिन महिलाओं को ऐसी शिकायत है, तो सुबह सुबह और शाम को करीब 4-4 चम्मच उनको सुबह शाम लेना है और वो भी 3 दिन तक लेना है। और जो लेने का उनका समय होगा, तो उनको लेने के समय का इतना ध्यान रखें कि जिस मासिक धर्म की जो भी डेट है उनकी, तो उससे 2 दिन पहले से शुरू करें और इस प्रकार से उनको 3 दिन लेना है, तो उनका जो भी मासिक धर्म की समस्या है वो इससे उपाय से खुल के आती है और अच्छी तरह से महामारी का रूपरेखा उसकी बन जाती है, तो ये शिकायत तो उनकी इस उपाय से दूर हो सकती है। और साथ में एक बात और है दोस्तों, कि अगर महावारी खुल के नहीं आती है, तो हमने बताया कि उसके कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि तलेट की सूजन है या ब्लड की कमी है। तो अगर ब्लड की कमी है तो आप ब्लड चेक करा सकते हैं कि हमारे अंदर ब्लड कितना है। ब्लड की कमी से भी कभी कभी ऐसा होता है कि मासिक धर्म खुल के नहीं आता है। और दूसरा कारण होता है कि तलेट की सूजन, अगर तलेट की सूजन है तो तलेट में मीठा मीठा दर्द हर समय होता रहता है, और जब मासिक धर्म का समय होता है तो समय फिर तेज दर्द होने लगता है तरेट में। तो ऐसी अगर शिकायत होती है तो उसमें एहसास करना चाहिए कि हमें तरेट की सूजन भी हो सकती है और दाबके भी दे सकते हैं। अगर दाबने से तरेट को दर्द मानता है तो आपके सूजन के लक्षण है, इस कारण से भी मासिक धर्म खुल के नहीं आता है। अगर तरेट की सूजन है तो उसके लिए हम उपाय भी बता देते हैं आपको, आप घर पे ही आराम से उससे कर सकते हैं। आपको एलुआ 50 ग्राम लेना है। एलुआ एक दवा होती है जो पंचारियों की दुकान पर मिल जाती है। एलुआ 50 ग्राम लेना है, उसमें बकरी का खोया 50 ग्राम लेना है और इन दोनों को मिला करके पीस करके और उसकी पोटली बनानी है। मतलब इसको जब खोया आपका बकरी का मिलाते हैं तो उसको थोड़ा गर्म करना चाहिए, और गर्म करने से उसे पोटली में लेकर के
जो भी थ्रेड पे सूजन जिस जगह पे मालूम पड़ रही है उस जगह पर इस गरम गरम पोटली से आप सिकाई करें, और कोशिश करें उसी पोटली से सुबह शाम सिकाई करें, थोड़ा सा गर्म कर लिया करें, और गर्म करने के बाद थ्रेड पर उसको धीरे धीरे सेकेंगे तो उस पर मलाई में आ जाती है। और सिकाई करने के बाद रात को जो अंदर आपके देख रहे हैं उसमें खोया है और एलुआ है, उसका आप लेप भी कर सकती हैं थ्रेड पर, रात के समय उसका लेप कर ले और सुबह उसको साबुन से आप धो सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप 10 दिन इसको करेंगे तो 10 दिन करने से आपकी जो थ्रेड की सूजन है वो खत्म हो जाती है और घर बैठे ही सूजन से आप छुट्टी पा सकते हैं। जो बार बार की ये समस्या रहती है अगर थ्रेड की सूजन से भी माहवारी का समय फिर खुल के नहीं होता, तो इस थ्रेड की सूजन को आप इस उपाय से भी ठीक कर सकते हैं घर पर। और इसके साथ अगर घर में कोई कांच की बोतल है तो उसमें गुनगुना पानी लेकर के, गर्म पानी लेकर के, अगर सुबह शाम आप थ्रेड की सूजन की अगर सिकाई भी करती हैं तो भी आपका थ्रेड मुलायम हो जाता है, और जो मासिक धर्म में दर्द होता है, समस्या होती है, सूजन होती है, तो उसमें भी आपको आपको लाभ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप थ्रेड की सूजन का भी उपचार कर सकते हैं। तो ये समस्या आपकी इन दोनों तरीके से आपकी हल हो जाती है। तो ये जानकारी आप भलीभांति समझ चुके होंगे। अगर आपको जानकारी हमारी पसंद आती है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने लोगों को शेयर भी करें जो इस समस्या से ग्रसित हैं। तो इसी जानकारी के साथ हम ये जानकारी यहीं तक रखेंगे, अगली जानकारी हम दूसरी कोई लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।